गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं परसेंटेज का लेक्चर 2 आईआईटी फाउंडेशन सीरीज में और मैं हूं आशीष बाजपेयी। आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि परसेंटेज क्या होता है, उसको अच्छे से समझा। अब हम लोग परसेंटेज पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम में देखिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको हम लोग कैसे अप्लीकेशन करेंगे, उसका कैसे उसका यूज करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्रेस 36% एज फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने सीखा था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में अब हम सीख रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर लिखा हुआ है 36%, तो इसकी क्या मीनिंग है, 36% का क्या मतलब है। मैंने बताया परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। ठीक, तो 36 कितने में, 100 में, यानी न्यूमरेटर क्या होता है, जो परसेंटेज वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर, बिकॉज फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो यहां पे न्यूमरेटर कौन है, 36, और डिनोमिनेटर कौन है, 100। ठीक, तो ये हो गया फ्रैक्शन। बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई, इसके फैक्टर्स आपको काट देने हैं। ठीक है, जैसे 4 से कट जाएगा, 4 9 36 एंड दिस इज 25, 4 100 होता है, तो 9/25 जो आया, ये 9/25 दैट इज फ्रैक्शन। तो इसका आंसर आ गया 9/25। तो अच्छे से सीखा आपने कि 36% लिखा है, अगर मुझे उसको फ्रैक्शन में करना है तो आई विल राइट दी 36 out of 100। ठीक, यानी कि 36 इज न्यूमरेटर एंड 100 इज व्हाट, डिनोमिनेटर। अब इसको आप देखिए, 4 से कट जाएगा, 4 9 36 होता है, एंड 25 4 100, इसलिए 9/25, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया। अब बताइए नेक्स्ट टाइम ये फ्रैक्शन की जगह अब क्या बोल रहे हैं कि 64% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो नथिंग, कोई बड़ी चीज नहीं है। दिस इज 64% एज डेसिमल, तो यानी 36 की, बिकॉज ये परसेंटेज है तो इसको लिखने का स्टाइल क्या है अपना, कि हम 64 out of 100 लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आप कर रहे हैं 64 out of 100, 64% परसेंट का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, और इसका मतलब हो गया न्यूमरेटर क्या है, 64, और 100 नीचे चला गया, तो 64 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.64। पता है ना आपको, अगर डिवाइड करते हैं 100 से तो डेसिमल, अगर 10 होता तो यहाँ आ जाता है डेसिमल, 20 है तो यहाँ आ गया, 3 तो एक और आगे बढ़ जाता है, बट यहाँ पर 2 ही है, इसलिए दिस इज 0.64। तो अब देखिए, मैंने परसेंटेज को डेसिमल में कर दिया कन्वर्ट। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आपकी बुक में मिलेंगे, उनसे आपको अपनी बुक से प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, तो आपके पास बुक होगी और उस बुक में आपको डेसिमल से में कन्वर्ट करना, ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब देखिए, अब उल्टा प्रॉब्लम है, अब की बार क्या प्रॉब्लम दिया गया है, अब की बार प्रॉब्लम है कि एक फ्रैक्शन है 3/20 क्या है, एक फ्रैक्शन है, उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बोला था, और 1/100 जो हो जाता है वो परसेंटेज हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली 3 into 100/20, और ये बन गया परसेंटेज, तो 25 जा 100, सो दिस इज 15%। आ गया आंसर आपका 15%। क्या किया, अगर मुझे देखिए उल्टा करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन लाए हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन लाए हैं, तो उसको मैंने सिखाया आपको, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो देखिए क्या किया, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, 1/100 को हमने लिख लिया परसेंटेज, बाकी पोर्शन सॉल्व कर लिया, 15 आ गया। अब देखिए, अब लैंग्वेज आपको सीखनी है। देखिए, मैथ्स इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, इंग्लिश में अगर आपको लैंग्वेज सही से आती है तो आप प्रॉब्लम्स इजीली कर सकते हैं परसेंट। अब बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे आपको मैं सिखा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आए x इज व्हाट परसेंट ऑफ y,
एक्स कोई वेरिएबल है, वाई भी कोई वेरिएबल, इसकी जगह कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। एक्स क्यों ले रहे हैं, मतलब कोई भी नंबर, एक्स और वाई लेने से क्या होगा ना कि आप कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ बोल दूँ 29 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70, 33 इज व्हाट परसेंट ऑफ 65, तो मतलब आप हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम केवल इसी टाइप को बना सकते हैं, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। तो इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी काम करते हैं, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखते जाओ और नए नए प्रॉब्लम्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो अब देखिए x इज व्हाट परसेंट ऑफ, तो देखिए जिसमें ऑफ लगा रहता है वो डिनोमिनेटर में जाता है और जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो न्यूमरेटर में जाता है। तो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y में x आपका न्यूमरेटर हो गया और y क्या हो गया डिनोमिनेटर, और परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से डिवाइड। अभी आपने देखा कि फ्रैक्शन से कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, तो अभी हमने फ्रैक्शन में लिखा कि 100 ओवर अपॉन 100 क्या हो जाता है परसेंटेज, तो दिस इज एक्स इंटू 100 अपॉन वाई इंटू परसेंटेज। देखिए अब ये फॉर्मूला टाइप बन गया, अगर 36% था मतलब 3/20 बोल दिया इन्होंने कि 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, तो 3/20 इंटू 100 और इधर लगा दो साइन, तो 25 जे 100, ठीक 25 जे 100 तो कितना आ गया 15%, ठीक। तो देखिए कर लिया प्रॉब्लम, 15% आया, ठीक है, यहाँ निकाला था मैंने। फाइंड 36% ऑफ 30, इसको कैसे करेंगे, रफ कर दूं मैं इसको, 36% ऑफ 30, ठीक है, तो 30 का 36% निकालना, तो 30 इंटू 36/100, क्योंकि 36% निकालना है इसलिए 36 ऐसे 36%, तो परसेंट को करने के लिए 100 ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। किसी को परसेंटेज दिया है अगर और आउट ऑफ दिया है, मतलब ये पूछ रहे हैं ये दिया गया है, ठीक, एक्स पूछ रहे हैं इस बार, ठीक, तो क्या करते, देखिए आप 30 लिखेंगे और उसका 36% पार्ट निकाल रहे हैं, 30 में 36, मान लीजिए किसी का पेपर हुआ 30 मार्क्स का और टीचर ने बताया कि 36% आए, तो यानी उसके मार्क्स कितने आए, तो ऐसे करेंगे हम लोग 30 इंटू 36/100, ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है, 3.6 हो गया, 3.6 इंटू 3, तो 36, 18, 1, तो 10.8, तो कितने आए 10.8 हो गया इसका 36%, ठीक है, क्लियर। ये हम लोगों ने कर ही लिया x by y into 100। अच्छा आप बताओ ये क्या होगा, y is what percent of x, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, x नीचे हो जाएगा, y is what percent of x, ऑफ लगा है ना, ऑफ जिसके साथ लगा रहता है वो कहाँ जाता है डिनोमिनेटर में, y का परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो y by x into 100 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें समझिएगा, अब की देखो ऑर्डर चेंज कर दिया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3.6 किलोमीटर इज 360 मीटर, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ किस पे लगा है 3.6 किलोमीटर में, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देंगे, 3.6 किलोमीटर ऊपर है 360 मीटर, अब परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो क्या बताया था मैंने 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो और लगा दो परसेंटेज का साइन, ठीक। आप कहोगे कि इस बार डिवाइड नहीं किया, अरे परसेंटेज साइन का ये तो मतलब है 1/100, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक, फास्ट बनो। अब देखिए, अब यहां मीटर है और यहां किलोमीटर है, देखिए परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर और नीचे लाइक चीजें होनी चाहिए, लाइक मतलब कि सेम चीज होनी चाहिए, ठीक है, यहां मीटर है तो यहां पर भी मीटर ही होना चाहिए,
तभी परसेंटेज आपका निकलेगा। तो किलोमीटर से मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो देखिए अब 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 into 100, 100 से 100 कट गया एंड दिस इज व्हाट 3.6 into 10 कितना होता है 36, तो दिस इज 360/36 एंड दैट इज 10%। परसेंट साइन नहीं कहीं गया, तो कितना आ गया 10%, तो दिस इज 10%। ठीक, फाइंड द नंबर हुज 30% इज 36, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक आई होप कि आप सीख गए। देखिए किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन को समझने के लिए तो आप लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और साथ में आप क्या करिए, देखिए क्या करेंगे आप लोग कि अगर मान लीजिए आपको एक बार में प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही तो आप फिर वीडियो को पीछे करें और फिर से उसको समझें, कई बार समझें, ठीक है, तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, बार बार ट्राई करना होता है तब मैथ आती है, एक बार में नहीं आती है। ठीक, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फाइंड द नंबर हुज 30% इज 30, मतलब देखिए हमें डिनोमिनेटर नहीं पता है, इस बार हमें डिनोमिनेटर नहीं पता है, और किसी नंबर का 30% आ गया, मतलब उस नंबर का जिसको नहीं पता है उसका वैल्यू आ गया 36। मतलब अगर आउट ऑफ 100 कोई चीज, ठीक है 30 है आउट ऑफ 100, 30% मतलब क्या हो कि 100 में 30 है, तो बताइए 36 कितने में होगा। ये प्रॉब्लम है, यूनिटरी मेथड जैसे करते हैं, लेकिन देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे यहाँ पर। तो हम मान लेंगे कि हमारी जो टोटल क्वांटिटी है दैट इज एक्स, टोटल क्वांटिटी कितनी है एक्स है, ठीक है, तो एक्स हमारी टोटल क्वांटिटी है, उसका 30%, समझिए आप टोटल क्वांटिटी एक्स है उसका 30%, किसी भी क्वांटिटी का अगर परसेंट निकालना होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज से, जैसे 50 है और इसका 45% निकालना है, तो व्हाट आई विल डू 45/100, समझ में आया। कोई नंबर है 70, उसका 20% निकालना है, तो क्या करूंगा 70 into 20 by 100 करूंगा। क्लियर है आपको ये बात, क्या करूंगा 70 into 20 by 100, तब आपका ये परसेंटेज निकल के आएगा। क्लियर, तो इस बार हमें नंबर नहीं पता है कि किसका परसेंटेज निकाला गया, जैसे यहां 70 तो पता है, लेकिन बोल रहा है फाइंड द नंबर हुज 30% इज 36, यानी आई डोंट नो कि नंबर क्या है, और जो भी नंबर हमें नहीं पता होता है उसको हम एक्स ले लेते हैं। आपने सुना है ना एक्स रेज जो है वो भी नहीं पता था रोंजन को कि किस टाइप की रेज है, तो उन्होंने जब उनको नहीं पता था ये किस टाइप की है तो उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्स रेज। मैथ से काफी प्रभावित थे वो ना, समझ में आया आपको। तो आपको भी नंबर नहीं पता है तो आप भी रोंजन की तरह क्या करिए एक्स रख दीजिए, तो एक्स इंटू 30/100, तो कितना आएगा ये 36। क्लियर, तो देखिए कट गया 0 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36। आपको पता है डिनोमिनेटर किधर चला जाता है ऊपर और न्यूमरेटर किधर चला आता है नीचे, तो 312 36 एंड दैट इज 120, तो हमारा एक्स कितना है 120 आंसर हो गया। तो 120 का 30% 36 होता है। अब उल्टा प्रॉब्लम कर सकते हैं, अगर हमें पता रहता कि 120 का 30% निकालो तो यही आंसर आना चाहिए था, तो 120 का 30% हमने बताया मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आया देखो 36 आया कि नहीं आया। ठीक, तो अभी हमें नंबर नहीं पता था तो यहाँ एक्स नहीं पता था, ये पता था, अब अगर पता चल गया तो ये निकाल सकते हैं। क्लियर, अब हम लोग थोड़े से अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स करते हैं परसेंटेज में।